सर हाँ बताओ। हमारी स्कूल में ना मैम ने वो चैप्टर शुरू किया, कौन सा, इलेक्ट्रिक चार्ज वाला जो हम कर रहे हैं, तो सर उसमें ना मैम वो एक से भाग क्या से एक से हाँ, तो सर उसमें ना मैम ने वो जब हम लोग सिल्क रॉड, सॉरी सिल्क के कपड़े से एंड रॉड को जब वो सब करते हैं, जब उनको टच कराते हैं वो सब करते हैं सर, मैम वो कुछ तो उन लोग का बैंड फॉर्म होता है नेगेटिव वगैरह का, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का, कुछ तो ऐसे ऐसे बता रही थी। क्या होता है? हाँ वो बोल रही थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं ना, उनका एक बैंड होता है, एक उनका और एक इधर एक और बैंड होता है जहां पे उनको पहुंचना होता है। तो जब हम लोग सिल्क रॉड, सिल्क को और रॉड को ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ऐसे करते हैं। देखिए, मैम बता रही है ना, मैम हाँ बता रही है, वो अपना कॉन्सेप्ट दे रही है, मगर वो सेमीकंडक्टर का पार्ट हम बता रहे हैं। हाँ सर, क्योंकि मुझे मैम ने ना बहुत अजीब से बताया था वो, नहीं, और सिर्फ दो गलत तीन गलत लगा रही है कॉन्सेप्ट। जो समझा। सेमीकंडक्टर में होता है ये दो बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड, दूसरा हाँ कंडक्शन बैंड होता है हाँ यही वर्ड्स यूज भी किए ना। थे। ये सेमीकंडक्टर का पार्ट है मॉडर्न, है ना। वो गलत इंटरप्रेट कर लिए हैं, है ना, जैसे सोचती हैं। क्या अच्छा होता है नॉर्मली, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है तो आपका क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहती है आउटर सेल में, जो इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा वैलेंस हाँ इलेक्ट्रॉन वही पड़े होंगे, जैसे आपका सोडियम है, वही वैलेंस हाँ इलेक्ट्रॉन एक है, मैग्नीशियम है, धातु हाँ है ना, तो ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है। बट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगी तो फ्लो नहीं कर पाएगी मेटल, है ना, मेटल या फिर कोई भी पार्टिकल है, मतलब सेमीकंडक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे बैंड गैप होता है, जैसे एनर्जी कॉन्सेप्ट, एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पे से भी लगा कर सकते हैं, मगर वो एक्यूरेसी नहीं है। वो उसके पीछे रीजन है कि हम लोग एनर्जी वहां पे देते हैं, है ना, एनर्जी देके वो सेमीकंडक्टर नहीं है, जो ग्लास रॉड है वो सब आपका नॉन कंडक्टर है, राइट। तो हाँ वहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन उसमें हाँ फंसते हैं एक को दूसरे से, है ना, तो फ्रिक्शनल एनर्जी वहां पे गेन करती है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वजह से सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर जाती है एक पे से दूसरे पे, है ना, समझ रहे हैं, हाँ रॉड और सिल्क लिया जाए उसमें मेनली बिकॉज तो। फ्रिक्शन ऐसी होता है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, बट मैम अलग बता रही थी कुछ तो अजीब सा, अलग उनका कॉन्सेप्ट खुद अलग। वो बैंड थ्योरी से बताते हैं, बैंड थ्योरी में क्या होता है, एनर्जी गेन जैसे ही करता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जंप एक्साइटेड कंडक्शन बैंड में चला जाता है, कंडक्शन बैंड, स्टेट। हाँ, वैलेंस बैंड से ओके कंडक्शन बैंड में जैसे ही जाएगा तो ये फ्लो चालू हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू होता है तो वहां पे कंडक्टिविटी शो कर देती है, तो दैट इज द सेमी कंडक्टर। नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो रहा था, टेम्परेचर गेन किया, और भी तरीका डोपिंग होता है, कुछ ना कुछ किए उसमें, एनर्जी दिए, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया, तो बैंड गैप होती है, जो कि अगर आपका कंडक्टर है तो दोनों बैंड है जो ओवरलैप किए हुए आता है ना, इजिली वैलेंस का कंडक्शन में जाकर फ्लो कर सकता है, दिस इज द मेटल। नॉन मेटल में ये गैप बहुत बड़ा होता है ना, तो ये कभी जंप ही नहीं कर पाता, इसकी वजह से फ्लो नहीं होता है। और तीसरा जाएगा अच्छा सेमी कंडक्टर आपका रहेगा, सेमी कंडक्टर में गैप बहुत छोटा होता है, माइनर गैप होता है ना, तो हम एक्सटर्नली जैसे ही कुछ भी अप्लाई करते हैं, हिट देते हैं, कुछ भी तरीके से करते हैं, तो ये जंप करके यहाँ चला जाता है और फ्लो चालू हो जाता है ना, दिस इज द हाँ बैंड थ्योरी, मॉडर्न का पार्ट है ना। समझा। अभी क्या रीजन है, अभी हम लोग नॉन कंडक्टर ले रहे हैं ना, तो सिल्क आपका कंडक्टर है ना, ही सेमी कंडक्टर है, कुछ नहीं है वो ना, क्या ग्लास। ग्लास, ये सब दोनों नॉन कंडक्टर है, यहाँ आपको करंट फ्लो भी नहीं करवाना है, ओनली ट्रांसफर ऑफ चार्ज, है ना, ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन को हम लोग मूव करवाने लगते हैं। वो वहां पे होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, एक रॉड लिए सपोज कीजिए, रॉड है ग्लास का, ये सिल्क है, अभी इस पे से ट्रांसफर होकर इलेक्ट्रॉन सपोज कीजिए इस पे चला जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन सरप्लस हो गया, ये माइनस क्यू चार्ज ये गेन कर लिया, और इस पे से गया था तो ये प्लस क्यू चार्ज गेन कर लिया, अब दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, चिपकेगा,
ना, एयर पंप के साथ भी कॉम्बिनेशन होता है, तो ये एक्चुअल में इंडक्शन की वजह से हो रहा है, एनर्जी देके हम लोग सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि एक पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दूसरे पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, और दोनों अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे करंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि करंट आ जाएगा रॉड, है ना। और हाँ, बैंड फ्री थ्योरी है, करंट हाँ बैंड थ्योरी है जो करंट का कॉन्सेप्ट है, वहां पे करंट फ्लो होगा, इसीलिए उसको सेमी कंडक्टर बोलने लगते हैं कि अब कम मेटल से कम करंट फ्लो हो रहा है, मगर वहां पे करंट फ्लो चालू है ना। दैट इज द एनर्जी कॉन्सेप्ट, बैंड एनर्जी, ठीक है समझा। हाँ ना। मगर ठीक है, उनको जैसे एक्सप्लेन करना करने चाहिए, तो बहुत बड़ी बात नहीं। आपको तो क्वेश्चन पूछता नहीं है, अगर पूछेगा भी तो डायरेक्ट पूछेगा किस पे पॉजिटिव है किस पे निगेटिव, तो याद कर लेना डेटा देख, है ना। आपको 12th का ठीक कलरफुल नोट्स भेज देंगे, उससे रिवाइज कर देंगे बोर्ड के लिए, ये आईआईटी के लिए नहीं, आईआईटी के लिए तो पढ़ाएंगे वही का, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली बच्चों वाला काम नहीं करता आईआईटी, मैंने किस पे क्या है। ठीक है, आया समझ में? बैंड थ्योरी पॉजिटिव हाँ कर सेमी कंडक्टर, समझ गया उनको लगा होगा वैसे, ये तो कहीं पे देख लिए होंगे, है ना। शायद। बैंड हाँ थ्योरी कहीं पे देख लिए होंगे और उसका वही इससे कॉन्सेप्ट कर आप, यार, वो फर्जी टाइप्स के होते हैं ना कुछ कुछ वेबसाइट, चुन्नू मुन्नू डॉट कॉम टाइप्स वैसे। वही हाँ मतलब कहीं से उनके ब्रेन में भी आया होगा तो बता दिया होगा, बट दैट इज वही फॉर द फ्लो ऑफ करेंट, है ना, ट्रांसफर ऑफ चार्ज के लिए नहीं यूज कर। समझा। एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, शायद वो एनर्जी देख के उसको कॉमन समझ लियो कि यहाँ पे भी एनर्जी दे रहे हैं आप, फ्रिक्शनल एनर्जी दे रहे हैं, है ना, समझ हाँ रहे हैं। हाँ फ्रिक्शन एनर्जी दे रहे तो हीट ही प्रोड्यूस हो रहा, कुछ ही तरह का एनर्जी है, एक दूसरे में घसेंगे तो, समझ रहे हैं। हाँ रब करेंगे तो हाँ कुछ एनर्जी जनरेट हो जाता है ना, जैसे ठंडी में आपको ठंड लग रही होती है तो हाथ रब करते हैं ना हैंड, है हाँ ना। हाँ, तो हीट जनरेट करते हैं, उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है ना। तो उसका टेंशन नहीं लेना, आपको याद रख लेना थोड़ा सा कौन से किस पे पॉजिटिव आता है किस पे निगेटिव, रीजन यही है फ्रिक्शन की वजह से काम होता है। ये तो बिना घसे आप ट्रांसफर करके दिखा दीजिए, हीट करके दिखा दीजिए, दोनों का अलग अलग हीट कीजिए ट्रांसफर, है ना। इसको मतलब अकेले ग्लास को हीट कीजिए, वो कंडक्टर नहीं बन पाएगा, है ना। और जो बैंड थ्योरी है वो सिंगल मेटल के लिए, कि जो कंडक्टर नहीं था उसको हम हीटअप किए तो उसमें फ्लो चालू हो गया, आ रही है समझ में? अच्छा सर, मतलब कुछ भी नहीं है, बस बेसिकली इलेक्ट्रॉन के एक्साइटमेंट स्टेट में आने का वो सब का बस एक और टाइप का थ्योरी है बस क्या? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। हाँ बैंड समझिए थ्योरी के लिए समझ। दो दो अलग अलग चीजों की जरूरत भी नहीं है, कि एक सिल्क होना चाहिए, एक रॉड। बैंड थ्योरी अकेले में, अकेले अगर नॉन कंडक्टर है तो हम उसको कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय दिस हीटिंग और डोपिंग और अलग अलग। एनर्जी आगे तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही दोनों का अलग है ना। यहाँ पे दो कांटेक्ट में आएगा, फ्रिक्शन होगा, तब एक कट रहा है दूसरे पे चला जाएगा, है ना। करंट का फ्लो समझो। भी नहीं होगा, बट बैंड थ्योरी में दूसरे की जरूरत नहीं है, वो सोडियम है तो सोडियम है, समझ रहा है। अगर और भी कोई नॉन मेटल है तो नॉन मेटल है, तो उसको करके हम लोग थोड़ा सा सेमी कंडक्टिविटी, मतलब सेमी कंडक्टर बना सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए तो सेमी कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। उसके लिए दूसरे की जरूरत नहीं है कि सिल्क को रॉड की ग्लास रॉड की जरूरत पड़ेगी, ग्लास रॉड को सिल्क, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आ रहा समझ में, हाँ है ना। समझो तो समझो। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ होगा, पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं अभी वर्क पावर एनर्जी, अब वर्क क्वेश्चन पावर बस एनर्जी बनाते रहिए, समझ रहे हैं, तो आखिरी में बहुत करोगी परेशानी होगी, मेरे लिए, है ना। स्पेशली ट्वेल्थ और आईआईटी का पार्ट में पढ़ना है इसलिए। हाँ, क्वेश्चन नहीं बनाएगा आखिरी में बहुत परेशानी हो जाएगी। और सबसे पहले ऐसी करूँ ना, पहले एनसीईआरटी का करूँ, फिर एचसीवाई के एग्जांपल्स, फिर एचसीवाई का क्वेश्चंस को, और फिर आपसे टेस्ट ले लूँ। आपको जो सीक्वेंस पसंद आता है, आपसे बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। समझ समझा। रहे हैं, जैसे हम बुक बुक ऐसी बार बनाते हैं तो हमेशा पीछे से बनाते हैं, आगे से नहीं बनाते। रीजन है कि ओके आगे में सर। बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई भी बुक का आगे में बच्चों वाला क्वेश्चन होता है, तो मेरे पास वही पूरा वही टाइम वही वही से सॉल्व करेंगे, जो दिख रहा है ऐसे ही है सर। डायरेक्ट फॉर्मूला, तो हम कॉपी पे लिखते ही नहीं थे, कार्ड पे छोड़ दो, है ना। एनसीईआरटी भी पढ़ रहा है, मेरे को दिखा कि ये तो कुछ नहीं, ऐसे ही बोला कोर्स निकाल दिया, तो चार्ज दे दिया, इसको कॉपी पे क्या लिखना, नहीं बनाना, डन कर वही देते देने का, डन खत्म, हाँ है ना। उतना टाइम हाँ वेस्ट करके किसको दिखाना है, कॉपी भर गया मेरा।
उतना टाइम ही नहीं है, दूसरा असाइनमेंट करेंगे ना, वो तो इम्पोर्टेंट हाँ ठीक है। अभी वॉकडल का बात करेंगे हम लोग, है ना। तो वॉकडल क्या होता है समझ रहा है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे, दैट फोर्स वुड बी एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स नहीं होता, वो एक्सटर्नल फोर्स होता है। इंटरनल फोर्स मतलब मॉलिक्यूलर फोर्स भी हो सकता है, दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, राइट। बट उससे वर्कडन नहीं होने वाला। तो एक्सटर्नल फोर्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करके, अगर वो मूव नहीं करता तो वर्क जीरो है, अगर वो मूव कर जाता है बाई डिस्प्लेसमेंट एस और वॉट एवर डी, देन वर्क डन हो गया, वहां पर काम आपने कर दिया, है ना। हाँ हाँ इफ एक्सटर्नल हाँ सेट टू बी डन बाई दैट फोर्स, ना वर्क सेट टू बी डन बाय दैट फोर्स कर दिया गया है ना। तो लेट अस सपोज दिस इज द ब्लॉक, ब्लॉक पे एफ एक्सटर्नल लगाए, अब ये ब्लॉक डिस्प्लेस हो गया है डी डिस्टेंस और यहाँ पे नए पोजीशन पे पहुंच गए, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ पे वर्क हो गया है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी लिखते हैं, तो एफ डॉट डी हम लोग डॉट है ना। तो एस एफ डॉट एस लिखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं वर्क डन को हम लोग, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो हाँ यहाँ पे सीखने वाली क्या बात है, एफ एस कॉस थीटा से क्लियर है सपोज, यहाँ तक क्लियर है ना। दिस इज द स्केलर हाँ क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट हुआ स्केलर है, हाँ हाँ भाई यूनिट न्यूटन मीटर, इसी को हम लोग जूल भी बोलते हैं, है ना। तो हाँ नहीं हाँ ये सब देख लेंगे, बुक इसीलिए पढ़ने बोलते हैं। अभी यहाँ पे हाँ एम मास था, यहाँ तक लेके आया है ना, तो वर्क डन किया गया। अभी इस कॉस थीटा का क्या मीनिंग समझते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा लिखे, पहले तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, जब भी करेंगे मेरे को ब्रेन में सबसे पहले रखना है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, बोथ शुड बी इन द सेम डायरेक्शन, है ना, बोथ। तो फिर तो सर फिर तो सिर्फ एफ एस हो जाएगा ना, फिर तो सिर्फ अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है और अगर साथ में है ठीक है तो थीटा तो 0 हो जाएगा, फिर सिर्फ एफ एस हाँ, हो जाएगा ना। तो थीटा थीटा जीरो हो जाना चाहिए, बोथ शुड बी इन सेम डायरेक्शन। हम उसके लिए काम कर रहे होते, तो कैसे उसको समझते हैं, इसलिए कॉस थीटा हम लोग लिखना शुरू किया। कॉस थीटा क्यों शुरू किया, देखिए दोनों सेम डायरेक्शन होगा तभी हम, जैसे हम लोग एक ही मल्टीप्लाई किसको कर सकते हैं, हम नॉर्मल देख रहे हैं, वेक्टर बंद कर दिया, वेक्टर ऊपर लिख के छोड़ दिया, एफ एस कॉस थीटा लिख रहा है, तो एफ और एस का कब मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, जब दोनों सेम डायरेक्शन हो। मैंगो का मैंगो के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, एप्पल के साथ, तो अगर आपका डायरेक्शन सेम है तभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है ना। दूसरा, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन का फोर्स कंसिडर किया जाए। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में करवाएं जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो एफ एस कॉस थीटा लिख दें, है ना। और मेरे पास क्या है कि अगर डिस्प्लेसमेंट ही है तो एफ कॉस थीटा लिख दें, फॉर्मूला तो सेम ही है। तो हम दोनों में से एक काम करेंगे, दोनों का हम एग्जांपल आपको दिखाएंगे। लेट अस सपोज पहला कंडीशन में हम कह रहे हैं, अब प्लेन आपका ऐसे है सपोज कीजिए, तो प्लेन के अलोंग ही ब्लॉक चलेगा किसी भी कंडीशन में, उड़ने तो नहीं लगेगा हवा में। आप फोर्स लगा दे रहे हैं ऐसे, राइट थीटा एंगल पे फोर्स लगा, तो अभी मेरे को इसका कॉस थीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में होना चाहिए फोर्स भी, जिसका एफ कॉस थीटा हो हाँ जाएगा। अभी दोनों को हाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो वर्क मिल जाएगा, हो गया ना। तो ये कंडीशन क्या होगा कि फोर्स को हम अलाइन किए डिस्प्लेसमेंट के साथ, आ रही है समझ में, ठीक हाँ है। डिस्प्लेसमेंट हाँ को भी अलाइन कर लें, अगर ऐसा ही प्लेन दे दे, ऐसा प्लेन दे दे थीटा एंगल पर। अभी अच्छा, और फिर डिस्प्लेसमेंट, फोर ऐसे ऐसे तो उसको ऐसे कर देंगे। हाँ डिस्प्लेसमेंट अगर एस बोल रहा है ऐसे, तो ये वाला हो जाएगा स्पॉट थीटा, है ना, फोर्स ही जाएगा। हम डिस्प्लेसमेंट को अलाइन कर लिए, ये वाला इस सब नहीं दिखते, अब हम प्लेन के अलोंग ही चलेगा, उड़ के तो नहीं जा सकता, उड़ के नहीं जा सकता मतलब एफ इंटू एस कॉस थीटा, दोनों चीज समझ सकते हैं। और नहीं कुछ समझ में आता तो सीधा था डॉट प्रोडक्ट डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट इंटीग्रल, है हाँ ना। अभी इंटीग्रेशन का साइन क्या बोल रहा है यहाँ पे, है ना, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, तो डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू डॉट डॉट डब्ल्यू एन, और समेशन ऑफ डब्ल्यू आई आई इज इक्वल्स टू वन से लेके एन तक,
कैरेक्टर ऐड कर दीजिए तो काम हो जाएगा डब्ल्यू नेट, क्योंकि तो स्केलर प्रोडक्ट है, कोई वेक्टर का जरूरत नहीं है ना। यहाँ तक क्लियर है? नहीं हाँ सर। रहेगा मेरे को बताना। अब देखिए वर्क डन का बात किया तो इंटीग्रल फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को तो सबसे बड़ा काम वही करना है, इंटीग्रल एफ डॉट डी आर डी एस जो भी लिखे है ना। तो हम आर वन से हाँ आर टू तक के लिए कर सकते हैं, समझ रहे हैं? हाँ बारह समझ में, आर वन से आर वन आर टू तक के लिए कर देंगे तो एफ है ना, डी आर का इंटीग्रेशन आर आर वन से लेके आर टू, तो ये भी लिख सकते हैं एफ आर टू माइनस आर वन, मतलब ये भी वर्क डन होगा डिस्प्लेसमेंट, और हम इंटीग्रल दिए हैं तो ये भी वर्क डन होगा। दिस इज द ग्राफ एफ एंड आर, तो एरिया अंडर द कर्व है ना, जहां तक आर वन तक बोले हैं तो ये है ना, तो एरिया इज ऑल्सो वर्क डन, डब्ल्यू इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। हाँ वही अंडर द कर्व एफ एंड एस। तो आपका डब्ल्यू इज इक्वल टू एरिया भी निकालना हो तो आप एरिया निकाल सकते हैं। अभी डब्ल्यू क्या क्या हो सकता है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री हो जाए है ना, कॉस 90 थीटा इज ओके इक्वल 90 डिग्री, जीरो हो तो एफ जाएगा एस फिर, इज इक्वल टू जीरो। नो वर्क डन। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप सर पे है ना, सर पे कोई हाँ भी सामान ले लिए बहुत भारी और फ्रिक्शनलेस प्लेन है ना, उस पर चल रहा है, तो आपका वर्क डन जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एमजी डाउनवर्ड लग रहा है, आप सामने जा रहे हैं, अगर फ्रिक्शन लेस है, अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन तो पीछे की ओर लगने लगेगा, तो एफ के अपोजिट लग रहा होगा है ना, फ्रिक्शन फिर वर्क करेगा वहां पे, है ना, समझ में? तो अगर फ्रिक्शन लेस है तो हम लोग ना नहीं थकेंगे, सामान लेके जा सकते हैं, जो भी वर्क नहीं हो पाएगा, यही वर्क करते यही हम लोग का एनर्जी लॉस होता है। वर्क एनर्जी का आगे हम लोग रिलेशन भी देखते हैं कैसे काम करता है, टाइप ऑफ यार वर्क। बट हम चल हमारा एनर्जी लॉस तो होगा ना। हाँ तो हम लोग फ्रिक्शन पे है ना, बिना फ्रिक्शन के थोड़ा नहीं चल रहा है ना, हम व्हाट लोग इफ हम आई देखिए जब फ्रिक्शन लगेगा तो जैसे ब्लॉक आगे जा रही है ना, फ्रिक्शन पीछे की ओर लग हाँ रहा है, अब फोर्स लगाना पड़ेगा तो वर्क डन तो अब लगेगा ना, तो ये फोर्स कौन लगा रहा है, हम लगा रहे हैं, मन लगा रहा है, सर, अगर हम बच रहे हैं तो फ्रिक्शन रोक रहा है। अगर फ्रिक्शन लेस रहेगा तो ठीक है, कोई फोर्स नहीं, फ्रिक्शन ही नहीं है तो कोई फोर्स ही नहीं लगाना पड़ेगा मेरे को आगे चल रहा है ना, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी जीरो हो जाएगी है ना। इसमें क्या होगा, जब सर पे रख के चलेंगे तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी जीरो हो, तो ग्रेविटी कैसे एक्ट होगा, जाएगा। नीचे की ओर एमजी सर पे रखे हैं और ये आगे बैठे हैं है ना, ये हाँ डिस्प्लेसमेंट तो कहें वर्क डन बाय दिस जीरो है ना, जीरो। हाँ केस ये केस वन हो गया। केस टू क्या कहता है देखो, केस टू बोल रहा है आपका है ना, एफ एस कॉस थीटा लिख रहे थे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कर दीजिए, वही थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इनटू एस, ये मैक्स हो गया, मैक्सिमम वर्क डन हो गया, हाँ वही क्लियर है मैक्सिमम वाला यही होगा। ना। मिनिमम के लिए क्या लिख रहे हैं, 180 डिग्री है ना, एफ जाएगा एस हाँ कॉस वही थीटा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ है माइनस एफ एस मिनिमम है ना, वर्क डन मिनिमम। आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ठीक है हाँ तक समझ में आ रहा है? टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, फिर हम लिखने देंगे। बोलिए सर। 90 में जीरो, 90 नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। 90 में जीरो, मतलब हाँ वही वही कुछ नहीं कुछ नहीं। दोनों तरह से हमेशा सोचिएगा, एक तो फिजिक्स में फॉर्मूला लेकर उसके अकॉर्डिंग सोचिए मैथमेटिकल अप्रोच, दूसरा डायरेक्टली सोच के देखिए ब्रेन से ही क्या हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते समय आपको डायरेक्ट ब्रेन से ही सोचना पड़ेगा, फॉर्मूला तो बाद में लिखना, तो आपको समझ में आना चाहिए मेरे को करना है ना। टाइप हाँ ऑफ क्वेश्चन जो नॉर्मल सा रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हुआ, वर्क डन कितना है, और डिस्प्लेसमेंट वेल, अब डिस्प्लेसमेंट में और क्या क्या कर फोर्स। सकता है, वेक्टर फॉर्म, मतलब हाँ एफ इज इक्वल टू क्या देगा, एक्स आई वाई जे जेड के है ना,
सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट बोलेगा S1 इज इक्वल्स टू X1 i कैप Y1 j कैप, ऐसे करेगा। ठीक ठीक है है, प्लस Z1 k कैप, ऐसे करेगा। S2 इज इक्वल्स टू X2 i कैप प्लस Y2 j कैप प्लस Z2 k कैप, ऐसे करेगा। तो मेरे को वर्कडन निकालने बोलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, F वेक्टर डॉट है ना S2 माइनस S1 वेक्टर, और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो काम हो जाएगा। तो अब डॉट प्रोडक्ट इजीली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है ना, वो डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं ना। तो हो जाएगा सर। आप एक सेकंड पिछले पेज पे जा सकते हो। हाँ देखिए, S2 और S1 दिया इनिशियल पोजीशन, सारी पोजीशन दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा तो पता चल जाएगा नेट है, वही डिस्काउंट। समझ गया क्योंकि वो डिफरेंस है इसलिए। समझ गया सर। फिर टाइप में क्या कर सकता है वो, एरिया अंडर कर्व, हाँ आपके साथ ऐसे करेगा, ऐसे बना देगा, फिर बोल देगा ये 10 मीटर है, 15 मीटर है ना। फोर्स एफ का वैल्यू दे रखा है कुछ ना कुछ, समझ रहा है। तो एफ एस कर्व दिया हुआ 10 न्यूटन यहाँ पे दे दिया, आपको कैसे टोटल वर्कडन पता चलेगा। तो ये एरिया पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वर्क, ये पॉजिटिव आएगा वो नेगेटिव आएगा। हाँ ये निगेटिव आएगा, तो नेट कर देंगे। ये अगर F1 है, ये F2 है, तो W इज इक्वल टू F1 माइनस F2, मॉड डाल दीजिए, नहीं तो हाँ पता चल जाएगा क्या हो रहा है। मॉड डाल दीजिए तो पता चल जाएगा, नहीं तो अदरवाइज हमें पता चल जाएगा कौन सा वर्कडन बढ़ा है ना। तो एरिया अंडर कर्व से काम कर सकते हैं, तो ये टेक है ना। तो हो गया 1, हो गया डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट दो, तो दे जाता टेक्निक्स। आ रहा समझ में, तो अच्छे से लिखिए समझ इसको, समझिए यहाँ से। समझा। वर्क डन। रोटेशन पढ़ाएंगे तो पूरा दम लगा दिया, जितना दम बचा है जितना हाँ वो पढ़ सकते हैं, है। हाँ समझ रहे हैं, समझा। जितना मेहनत कर सकते हैं। हाय सर। नेक्स्ट, नहीं, रुको रुको, एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ मैं। देखो हाँ हाँ कुछ लैंग्वेज लिखना हो तो खुद से लिख लिया दीजिए, बाद वही मैं वही करता हूँ में सर। याद नहीं आएगा। हाँ इन चीजों से बहुत गो थ्रू कर चुका हूं मैं। डी सो वो शुड बी इन दिस डायरेक्शन। हाँ वो तो गया सर। हो गया, हाँ ये जो चीजें बताते हैं वो थियरी नहीं, बुक में रहती है ना, उसको थियरी नहीं हाँ बोलते। कुछ भी ऐसे बताते हैं हम आपको सोचने के लिए, कुछ पैरेलल होगा तो ऐसा करना है, उसके अलावा लाना है, तो सब किताब में नहीं रहता है ना। हाँ आप वही वो तो कुछ भी एनसीईआरटी मुझे पढ़नी ही पड़ेगी सर। एनसीईआरटी अलग से, उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रटने पड़ेंगे। नहीं क्यों पढ़िएगा, इसके लिए सी वाला पढ़िए ना। उसको मैं थियोरी के लिए बोल रहा हूँ। हमारी हाँ थ्योरी मैम्स के, बोल,
अच्छी बार कि पढ़ लेंगे। उसको तो उसको ऐसे बोलती है हमको। हाँ तो वो तो सीआरटी बोलेंगे ना, बोर्ड के लिए पता नहीं, अच्छी बार पढ़ गया हाँ ये वो तो लगा है सर, सर इस उसमें तरह पूरा याद कर वहाँ पे। लिया। ये 5 बार पढ़ी है अरे क्लियर। हाँ सर, मेरे को आपको एक बुक के बारे में पूछना था फिर मैं। ओ सर, मेरे पास सेम टी शर्ट है भाई। तो हाँ वे हाँ, मेरे को एक बुक के बारे में पूछना था आपको, तो मैं आप बताओगे तो मैं ऑर्डर करूंगा सर। रसनिक, हॉलीडे, वॉकर या और क्रेन? देखिए कॉन्सेप्ट समझना है तो रेसनिक बेटर है ना, मोटा बुक है, ठीक मेहनत लगेगा, मगर फॉरेन राइटर का बुक है, बहुत अच्छा बुक ओके। है ना, इंडियन राइटर का अच्छा चाहिए तो इसी बनना है ना। बाकी का अगर हाँ आपको मेडिकल वाले के लिए अगर बहुत माइनर जैसे आसानी से समझने की कोशिश करनी है, प्रदीप मंगवा सकते हैं इंडियन राइटर है ना। अच्छा आपको क्योंकि हेलीटेरिस्टिक में एडवांस लैंग्वेज होता है तो वो प्रीफर करते हैं कि जैसे जो कॉन्वेंट से नहीं पढ़े हुए बच्चे हैं, नॉर्मल स्कूल के बच्चे हैं, थोड़ा उस जगह पे, तो वो लोग प्रीफर करते हैं कि प्रदीप पढ़ ले, प्रदीप नॉर्मल लैंग्वेज है ना। जैसी और मैं हिंदी में पढ़े हुए टीचर हैं तो इंग्लिश लिखेंगे तो नॉर्मल इंग्लिश लिखेंगे वही वही ना, तो बनाए हैं इसलिए गया। तो अगर आपको है। मैं पता चला अच्छी इंग्लिश वाली फिजिक्स की किताब पढ़ते बैठा, इंग्लिश अच्छी हो गई, फिजिक्स अच्छी नहीं हुई। गूगल नहीं पे नहीं जा नहीं जाके उनका जो रहता है लिखा हुआ तो ऐसा थोड़ा ना होता, फॉरेन राइटर का किताब फिजिक्स वाले हाँ सारे फॉरेन राइटर का ही पढ़ते हैं। अभी के बाद आपको पूरा पढ़ना, अभी इंस्टीट्यूट का ये मार्केट और फैला है ना, ये बुकलेट सुकलेट कौन लाया, इंस्टीट्यूट का है, हायर एजुकेशन में थोड़ा नहीं आपका बुकलेट आता है कोई, है ना, कोई इंस्टीट्यूट हाँ लेवल पे तो बुक नहीं आता है ना राइटर का, हाँ भाई तो लैंग्वेज ही रहता है ना वहाँ पे। अभी ये लोग इतना फैला दें कि बच्चे भूल गए, बुक भी होता है 11th 12th का, तो वही 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 आप देख लीजिए, और नहीं तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च करने से आपको मिलेगा, एक बार पढ़ के देख लीजिए एक दो चैप्टर। गूगल किसका किसका सर? आपकी वॉइस बहुत लो हो गई अचानक से। पे भी सर्च मारिएगा तो PDF आपको मिल जाएगा है ना, ठीक हाँ मैं वही कहने वाला है। हूँ, फ्री पी। हाँ तो एक बार पढ़ के देख लीजिएगा एक दो चैप्टर, हाँ लेकिन सर, ये मंगवाने वॉकर में किसके क्रेन कैसी है? KREANE, वॉकर वॉकर WALKER। वॉकर वॉकर तो ये भी नहीं करते, बहुत कम ठीक है करते हैं। अभी GC अग्रवाल देखिए कौन कौन से, जिसका हम जो जो पढ़े हैं गए जिसके थ्रू, तो ऋषि पांडे, देशी अच्छी वर्मा, एच मामा तो मस्ती है। ए सी सी है ना, अच्छी वर्मा के बाद आप GC अग्रवाल, सबके है, सबके सी लगता है क्या सर? पढ़ेगा प्रदीप है ना, हाँ हीरोडो, हीरोडो है, है ना, कुछ तो होता होगा। हीरोडो बुक होती है न्यूमेरिकल की, फिजिक्स की, इससे टफ न्यूमेरिकल कहीं नहीं मिलता, और आपको हाँ ज्यादा तो बोलूँ सर, ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए तो हीरोडो बनाने का, समझ रहे हैं, समझ गया। मैकेनिक्स के लिए तो हम लोग प्रेफर करते, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 100 के आसपास क्वेश्चन है मैकेनिक्स का, अगर उसको बना लेते तो उसके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं आ सकता, बना ही नहीं, ओके समझ रहे हैं। हाँ हम लोग करते थे वहां पर बैठ कर, तो फिर आप ठीक नॉर्मली कौन सा है, हाँ ये हेलिडे रेशनिक, रेशनिक यूज कर सकते हैं ना, जो हम मतलब जिसके थ्रू हम गो थ्रू किए, ये सब सब पढ़ा हुआ है मेरा, समझा। तभी फिर आप आप फिजिक्स नॉर्मल, की? नहीं, सब 12th में पढ़ा हुआ है, 11th 12th में, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, तभी आप फिजिक्स के टीचर हो। अभी 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 जो रहता है मैकेनिक्स के लिए अभी यूज किया हुआ है क्लैपनर है ना, DC माथुर है ना, ये उनका भी एक है, एक और फॉरेन राइटर है उनका बुक है बहुत अच्छा, तो तीन ही मैकेनिक्स का भी प्रेफर किया। ऑप्टिक्स के लिए जो एक घटक है थर्मोडाइनमिक्स का, ये गर्ग है, बंसल एंड गर्ग,
तो अभी आता तो वो सब आपके काम का अभी नहीं है, समझ रहे हैं वही। हाँ ना। अभी तो आप आप जो बताइए। आपने जो ऊपर लिखी वो मैं ले लूँ ना, एचसीओ में तो क्यों है नहीं पहले लेना से। है, एचसीवर में ले ओ लीजिए, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आपका काम में आ जाएगा, है ना। हम्म। जीसी अगर अगर आपको एग्जाम्पल से समझना है, एग्जाम्पल क्वेश्चन का करना है, क्वेश्चन को एग्जाम्पल अगर आपको करना है ना। हाँ जैसे दो तरह की लर्निंग होती है, एक तो थियोरी पढ़ के होती है, दूसरी हम लोग हाँ क्या करते थे कि क्वेश्चन को पढ़ते थे, क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ देखते थे। तो जीसी अगर बहुत हाँ सारा क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है ना, ओके मोटा बुक है थोड़ा, बट बहुत अच्छे से फुल्ली उल्ली सबका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करके सॉल्व करके दिया है, तो आप बैठ के उसको सब कुछ कर सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग के पास ऑप्शन नहीं होता था कि क्लास खत्म हो गया उसके बाद हम पूछ सकते हैं, बहुत तो एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्लास के बाद, है ना। इंटरनेट आते नहीं थे, टीचर तो रहते नहीं थे पर्सनल लेवल पे, जैसे आपके पास पर्सनल टीचर है तो नहीं रहते ना कि आप पूछ लिए जो बताएंगे, है वही ना। वही खत्म हो गया चैप्टर मतलब कोई बताने वाला भी नहीं, तो इसलिए बुक प्रेफरेंस में रखना पड़ता था कि वो कैसे सॉल्व किया देखते थे, है ना। तो आप बुक अभी अभी अगर चाहते हैं प्रदीप से भी सीख सकते हैं, प्रदीप भी मोटी बुक है और लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, पर इससे क्वेश्चन आपको नहीं ज्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि थोड़ा नीचे मेडिकल लेवल पे आ जाता है कुछ धीरे धीरे, यही तो मेन मैं है क्रॉस कर। ना। तो आप इनमें जो भी, डीसी पांडे भी अच्छी है, मगर डीसी पांडे में थियरी नहीं है अच्छे से लैंग्वेज, डीसी पांडे न्यूमेरिकल डायरेक्ट करती है वो क्वेश्चन सॉल्व अरे कर सिर्फ देता है। थियरी अच्छी है ना लैंग्वेज की। एससी वर्मा का कॉन्सेप्ट बहुत हाई लेवल पे, क्योंकि वो बाकी लोगों से बहुत ज्यादा पढ़े हुए, समझ रहे। जैसे डीसी पांडे हो गए तो वो लोग आईआईटी के लिए, जैसे हम कितना भी पढ़ लेंगे अगर हम हायर हाँ एजुकेशन नहीं आते, है ना, 12th में ही रहते, रेजिडेंस में रहते, बंगाल में रहते, मेरी 40वीं एज हो जाएगी तो हम एक्सपर्टीज 12th पे रहेंगे, समझ रहे हैं। वही वही मैकेनिक जैसे पढ़ रहा है, तो आप मैकेनिक जिसका पढ़ना है क्लैपनर का, तो क्लैपनर की थिंकिंग आपके अंदर आएगी। अजय घटक का बुक अकेले 1200 पेज का ऑप्टिक्स पढ़ रहा है, तो आपका 12 पेज का 1200 का है वो। 1200 पेजेस की ऑप्टिक्स है अजय घटक, तो आपके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्ड होती है जैसे आप हायर क्लास में पढ़ने लगते हैं, समझ रहे हैं। तो एचसी वर्मा है जो इंडिया के बेस्ट प्रोफेसर है क्वांटम के, इनके पास बहुत हाँ नॉलेज, समझ रहे, बहुत किताब पढ़ रहे, जब बहुत किताब जो पढ़ता है फिर वो अपना किताब लिखता है, तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझाए हुए रहते, समझ रहे। वही तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस देख लीजिए, है ना, बुक करते हैं तो किसका भी अभी हाँ अच्छा। अभी तो बच्चे पढ़ते ही नहीं ना, अभी तो सर पढ़ा दिए वो भी रिवीजन करना मुश्किल हो रहा है बच्चों का, समझ अरे रहे हैं। सर मिलने वाले लोग होते हैं सर, खुद पढ़ते नहीं दूसरों को पढ़ने नहीं देते, गधे होते हैं, ब्लॉक मार दिया उनको। मेहनत कीजिएगा तभी काम होगा, बहुत मेहनत है ना। हाँ वही तपस्या। तपस्या कुछ नहीं है, एंजॉय कीजिए ना इसको, फिजिक्स बन रहा है तो उसी में चले फिजिक्स जाए। में कुछ तपस्या लगती भी नहीं है, वो वो अपना सब ड्यूटी है ना, हर केमिस्ट्री पढ़ना हो, केमिस्ट्री के लिए अपी बहादुर बनाना पड़ता है, अपी बहादुर लाना, अलग अलग बुक लाना पड़ता है उसके लिए भी, उसको पढ़ना पड़ता है ना। रेफरेंस बुक तो सब भूल गए ना बॉम्बे में, बड़े शहर में बच्चे भूल चुके हैं रेफरेंस बुक क्या होता है, उनको टीचर पढ़ा रहे वो तो मुश्किल लग रहा है, खुद से कहाँ बैठ के पढ़ेंगे 50 पेजेस बुक से लिख नहीं पढ़ेंगे खुद बैठ के। सर के, 600 पेज में। मेरे पास ना कुछ इतने मतलब इतनी सारी बुक्स हैं, वो आशिक के भैया थे ना आयुष भैया, उनकी पुरानी वाली, तो हाँ उनमें से तो मैं चाह शायद मिल जाए। हाँ तो उसमें लिख के मेरे को भेज दीजिएगा, जो जो बुक के ऊपर लिखा हुआ हेडिंग है बता दीजिएगा, आपको भेज दूंगा, ठीक है। हाँ लाइब्रेरी वगैरह से ये सारी बुक्स बोरो कर लूंगा, फिर वापस नहीं तो करूं करूं फर्क पड़ता है। हाँ, जरूरी नहीं है, कोई भी बुक मिल जाए पढ़ लेने, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक लिख लिए है, ये ग्रुप को 1 सेकंड सर। एफ कॉस थीटा फिर एस फिर क्या था। हाँ सो डबल इज इक्वल टू एस टाइम्स एफ कॉस थीटा।
थीटा एस एफ थीटा एस कॉस थीटा, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ टाइम्स एस कॉस थीटा। और ओके हो गया सही वाला। अब चलिए अब क्या है? अच्छा सर, बोलिए। मैं आपको जो टेस्ट है वो कल 6 के बाद के 6 तक क्लास होगी, मैं कल आपको 6:30 से लिखना शुरू करके दूं क्या? 7:30 तक? अभी क्या दिक्कत है, सोना है क्या? नहीं नहीं सोना नहीं है, वो मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा, मुझे पता है। मेरे मेरे को को सर 10 बजे मैथ, आपको छोड़ देंगे तो आपका आधा घंटा ही वेस्ट हो जाएगा। ओके सर, आपसे मुझे मैथ्स पढ़ना है सर ने कम से कम 150-250 क्वेश्चन दे दिए और मुझे कल ही भेजना है। ठीक है तो साल पहले ये पढ़ा डिले हो देता गया मैं उस। हूँ, वर्क करने से पढ़ा देता हूँ। हाँ सर, R1 R2 ऐसे ऐसे 4W। W is equal to F S cos theta और theta 90 ऐसे होने, ठीक है सो 0। जल्दी के लिए 1 मिनट बच रहा है। हाँ हो गया मेरा ये हाँ वाला। हाँ हाँ एक मिनट बच रहा हूँ, बस जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट हो सर। देर पर लेने चलो। देखो सर अगला तो वाला, अगला। हाँ ले हो पाएगा स्क्रीन पर, ठीक है 1 जाएगा, मैं बहुत फास्ट लिखता हूँ सर। 1 मिनट भी नहीं बच रहा है। और भी पेजेस हैं, ठीक हो गया, है लास्ट पेज। ये तो टाइप लास्ट ऑफ पेज क्वेश्चन ही है। लास्ट पेज लिख लीजिए जल्दी से।